ये देखिए दोस्तों, हमारी जो नदी थी पूरी तरह से सूख चुकी है। अब इस नदी की मछली को पकड़ने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं, अपना तैयारी कर रहे हैं। अब किस प्रकार से ये लोग मछली पकड़ेंगे, आपको बहुत ही मज़ा आएगा देख करके। ये देखिए दोस्तों, पानी को तीन भाग में बांटने के लिए इस प्रकार से मेड़ बनाया जा रहा है, ताकि एक गड्ढे का पानी दूसरा गड्ढा में फेंका जा सके और उस गड्ढे को सुखा करके मछली पकड़ा जा सके। क्या आप ये तरीका जानते हैं या आपने कभी इस तरीके से मछली पकड़ा है? ये देखिए, पानी सुखाने का उपकरण तैयार किया जा रहा है। आजकल तो तरह तरह की मशीनें आ गई हैं। क्या आप बता सकते हैं ये जो उपकरण है, इसे आप लोग अपने क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं? हम लोग तो इसे डोपका कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, एक और मेड़ तैयार किया जा रहा है ताकि डिवाइड किया जा सके। यहाँ पे गोपाल भी ज़ोर शोर से लगा हुआ है। गोपाल को मैंने बोला कि तुम कैमरा पकड़ो, तो वो कहा कि नहीं, मुझे मछली पकड़ना है। ये देखिए दोस्तों, पानी को सुखाने का काम ज़ोर शोर से चल रहा, अदला बदली करके लोग पकड़ रहे हैं। अब शायद मछली पार हो रही थी वहाँ पर, इसीलिए फटे हुए मच्छरदानी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मछलियाँ उसमें फंस जाएँ। शायद उसमें कुछ मछली आ गई है, इसीलिए गोपाल दूसरा मच्छरदानी को लेकर के जा रहा है। मछलियों को साफ किया जा रहा, लगता तो है कुछ मछलियां इसमें ज़रूर फंसी हैं। हमारे गांव का छोटू मछलियों को लेकर के आ रहा है। ज़्यादा मछली नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि एक हाथ से लेकर के जा रहा है, मतलब ज़्यादा मछली नहीं है, पर जो भी है बोहनी तो हो चुका है। देखते हैं, आप भी एक्साइटेड होंगे शायद, इसमें कितनी मछली होंगी, अनुमान लगाइए। एक पाव, दो पाव, अभी भी समय है दोस्तों, बताइए कितनी मछली होंगी। ये देखिए, क्या आप जानते हैं ये कौन सी मछलियां हैं इसके अंदर? इसे हम लोग पोठी माछ या पोठी मछली हिंदी में कहा जाता है, पुलबाब इंग्लिश में कहा जाता है। आप लोग किस नाम से जानते हैं ज़रूर कमेंट करिएगा। दोबारा से देखिए, इस जगह को सुखाया जा रहा है किस प्रकार से, और मछलियाँ जो हैं तैरती हुई आपको नज़र आ रही होंगी। देखिए दोस्तों, गौर से देखिए, झींगा यानी कि चिंगड़ी मछली, जिसे हम लोग अपने क्षेत्र में कहते हैं, पूरी तरह से चट्टान में, पत्थर में चिपकी हुई है। अरे वाह, बड़ी मछली मिल गई है इन्हें। गौर से देखिए दोस्तों, झींगा मछली किस प्रकार से पत्थर में चिपकी हुई है। कई लोगों को झींगा मछली बहुत पसंद आता है, क्या आपको भी पसंद आता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अरे ये कौन सी मछली है, क्या आप पहचानते हैं? ज़रूर इसका नाम भी कमेंट करिएगा। हम लोग इसे अपनी भाषा में तूड़ माछ कहते हैं, वैसे इसका इंग्लिश में नाम होता है स्पाइनी ईलफिश। गोपाल भी ट्राई कर रहा है, शायद ही गोपाल पकड़ पाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से एफर्ट लगा रहा है, इसे तो मुझे नहीं लगता ये पकड़ पाएगा। क्या आपने कभी इस प्रकार की मछली को पकड़ करके देखा है? इसके ऊपर में कांटे भी होते हैं, अगर ज़ोर से दबोचने की कोशिश कीजिएगा तो आपके हाथ भी कट सकते हैं, इसीलिए गोपाल भी धीरे धीरे ट्राई कर रहा। देखिए छूट चुका है। ये देखिए दोस्तों, मछलियाँ पूरी तरह से नज़र आ रही हैं। क्या आपको लगता था कि इस छोटे से गड्ढे में इतनी मछलियाँ हो सकती हैं? नहीं ना, हमें भी नहीं लगा था। जब ये लोग शुरू कर रहे थे मछली पकड़ना, उस समय इन लोगों का कहना था कि पता नहीं हम लोग सिर्फ यहाँ मेहनत ही तो नहीं करते रह जाएंगे, मछली हैं भी या नहीं। लेकिन जब यहाँ मछलियाँ दिखाई दे रही हैं, तो इनके चेहरे पर वो खुशी नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं, इस प्रकार की कुछ बड़ी मछलियाँ भी ये लोग पकड़ रहे हैं, बहुत खुशी के साथ ये लोग मछली पकड़ रहे हैं। क्या आप मछली पकड़ना चाहते हैं? क्या आपको भी इस प्रकार से मछली पकड़ना अच्छा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्योंकि अगर मैं भी मछली पकड़ने लग जाता तो
वीडियो कौन बनाता और आप लोगों के साथ साझा कैसे हो पाता, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए और आप लोगों के साथ साझा करनी चाहिए, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों को मछली पकड़ते हुए इस प्रकार से ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई गतिविधियों को देखना और मछली पकड़ते हुए खास करके देखना काफ़ी पसंद आता है, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, इन लोगों की मेहनत के लिए, मेरी मेहनत के लिए ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा और ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मुझे ऐसी कोई भी गतिविधि दिखाई दे आप लोगों के साथ साझा कर सकूँ तो आप उस नोटिफिकेशन को देख करके वीडियो को देख लें। कई प्रकार की मछलियां हैं दोस्तों, यहां पे कोई भी बड़ी मछली तो नज़र नहीं आ रही है। अब कहां से रहे कि बड़ी मछली, आपने तो देखा ही, गड्ढा बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही पानी बचा हुआ था नदी के अंदर, तो बड़ी मछली का तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी छोटी मछलियां काफ़ी पौष्टिक होती हैं, जिन्हें पता है कि छोटी मछलियों के अंदर कितने पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, तो वे लोग छोटी मछलियां खाना शुरू कर सकते हैं, कर देंगे। बड़ी मछलियां तो हैं ही, हमारे लिए सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती ही हैं, छोटी मछलियां उससे भी ज़्यादा पौष्टिक तत्वों से भरपूर होती हैं। ये देखिए दोस्तों, किस प्रकार से ग्रामीण लोग, महिलाएं, बच्चे, सभी लोग आ करके इकट्ठा होकर के मछली पकड़ रहे हैं। कितना मज़ेदार होता होगा ये सीन, आप वीडियो में देख करके ही आपको मज़ा आ रहा होगा, तो ज़रा सोचिए जो लोग वहाँ लाइव रह करके मछली पकड़ रहे हैं उन्हें कितना मज़ा आ रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, मैं इस प्रकार से छाता पकड़ करके वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो कैमरा है इतनी गर्मी में ओवरहीट हो जाने की वजह से कई बार रुक जा रहा है। आप देख सकते हैं मछली किस प्रकार से लोग पकड़ रहे हैं, मज़ा लीजिए दोस्तों, आनंद उठाइए इस वीडियो का। अब ये भी भर चुका है, इस मच्छरदानी को भी ले जा कर के बाहर मछलियों को निकाला जाएगा और वहाँ से चुन करके मछलियाँ अलग कर दिया जाएगा। देखते हैं इसके अंदर कितनी मछली हैं। देखिए, दोनों मच्छरदानी को निकाला गया है, एक गड्ढा यानी कि समाप्त हो गया है मछली पकड़ करके। वाह, बहुत ज़्यादा मछली है, दो जन भी ठीक से उठा करके नहीं ले जा पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अनुमान लगाइए इसके अंदर कितनी मछली हो सकती है और कौन कौन सी मछली होगी। क्या बात है, क्या बात है, इस प्रकार से अगर 8-10 बार पकड़ लें तो काफ़ी ज़्यादा मछली हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अब दूसरा गड्ढा को सुखाया जा रहा है, आप अनुमान लगा सकते हैं इसके अंदर कितनी मछली होंगी। यहाँ तो मेंढक ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, अब बताइए, फिर भी बताइए कितनी मछली होंगी इसके अंदर। मछली पकड़ना शुरू हो चुका है, मछली तो है इसमें भी, हालांकि छोटा सा गड्ढा दिखाई दे रहा था। आप देखिए, फिर भी इसके अंदर काफ़ी मछलियां नज़र आ रही हैं। ये देखिए दोस्तों, गर्मी की वजह से मछलियां भी मरने लगी हैं। आप होते तो किस प्रकार से मछली पकड़ते, ज़रूर कमेंट करिएगा। क्या आपको ये नज़ारा देख करके मन नहीं कर रहा है कि आप भी यहाँ होते, है ना? ज़रा सोचिए, मैं यहाँ होते हुए भी मछली नहीं पकड़ पा रहा हूँ, मुझे कैसा लग रहा होगा।
अब देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है। आपके मन में सवाल आ सकता है कि इसके अंदर क्यों घुसाया जा रहा है। इसे हम लोग घुंगी कहते हैं, जिसे हिंदी में कुमनी कहा जाता है। इसके अंदर कादों से लथपथ मछलियों को अंदर डाला जा रहा है। अब इससे क्या होगा आगे देखते जाइए, आपको भी पता चल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इसके अंदर मछली डाल करके जब हिलाया जाता है तो ये मछलियाँ साफ हो जाती हैं। ये देखिए दोस्तों, कीचड़ से लथपथ मछलियों को जब हिलाया जाता है तो इस प्रकार से साफ हो जाती हैं मछलियाँ। ये मैं हूँ और यहाँ पे लोग मछली चुन रहे हैं। ये देखिए ताज़ा मछली, बिल्कुल ताज़ा मछली। ये आखिरी गड्ढा है जिसका पानी सुखाने का प्रयास किया जा रहा है। इसे सुखाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऊंचाई में है और इस प्रकार से अगर मेढ़ को काट दिया जाए तो पानी अपने आप बहता चला जाएगा। लेकिन मछलियां भी जा सकती हैं नीचे, इसीलिए इसके ऊपर मच्छरदानी लगाया जा रहा है ताकि पानी बह जाए और मछलियाँ इसके अंदर फंस के रह जाएँ। पानी ज़्यादा है इस गड्ढे में, लेकिन ये देखिए दोस्तों मछलियां नज़र आ रही हैं। अब यहां का पानी सूख रहा है तो मछली पकड़ना भी शुरू कर चुके हैं लोग। ये देखिए किस प्रकार से लोग मछली पकड़ रहे हैं। गोपाल भी लगा हुआ है यहां पे, दो जन बारी बारी से पानी सुखा करके मछली पकड़ रहे हैं। ये जो मछली है, पीठ में कांटा बहुत ज़्यादा होते हैं। इस मछली को अगर ज़ोर से दबोच के पकड़िएगा तो कांटा चुभा सकती है। किस नाम से इस मछली को जानते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसे तो बाम मछली कहा जाता है। इंतज़ार कर रहे हैं ताकि मछली आसानी से पकड़ा जा सके जब पानी सूख जाएगा तो। ये देखिए दोस्तों मछलियां किस प्रकार से तैर रही हैं। देख करके ही मन में आता है कि क्यों ना घुस जाऊं और मछली पकड़ने लग जाऊं। फिर वही याद आता है कि आप लोगों के साथ फिर कैसे इस वीडियो को साझा कर पाऊंगा जब वीडियो ही नहीं बनाऊंगा तो। ये देखिए दोस्तों मछली पकड़ना शुरू कर चुके हैं। गरम हो गया ना।
मछली पकड़ना समाप्त हो चुका है दोस्तों। अब गोपाल आगे आगे मछलियों को लेकर के कहाँ जा रहा है, चलिए देखते हैं। झाड़ू मारा जा रहा है, यानी कि मछलियों को यहाँ पे निकाला जाएगा और यहाँ पे बंटवारा होगा। सबसे मज़ेदार पार्ट होता है दोस्तों, मछलियों को पकड़ने के बाद जब गांव वाले बंटवारा करते हैं तो देखने लायक नज़ारा होता है। ये देखिए दोस्तों, उस छोटे से गड्ढे में कितनी सारी मछलियाँ थी। क्या आप सोचे थे कि इतनी मछली मिलेंगी उस गड्ढे में? ये लोग जितने भी हैं इन्हें भी नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा मछली मिलेगी। तो आखिरकार वो घड़ी आ गई दोस्तों, अब बंटवारा चालू हो चुका है। देखिए किसके हिस्से में कितनी मछली आती है। यहाँ पे बंटवारा जो है पूरी तरह से ध्यान में रख करके किया जा रहा है, किसी को भी एक मछली भी ज़्यादा ना कम मिले। टोटल 15 जने हैं जो मछली पकड़ रहे थे, बाद बाकी पीछे पीछे पकड़ रहे थे। जो लोग शामिल नहीं थे उन्हें ये बंटवारा का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। 15 जनों के बीच में ये मछलियाँ बांटी जाएंगी। आपको जान करके आश्चर्य होगा दोस्तों, उस गड्ढे में यानी कि उस छोटे से गड्ढे में 45 केजी मछलियां थी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? आप देख करके आप सोच सकते थे कि उस गड्ढे में इतनी मछलियां हो सकती हैं? इनको जितने भी लोग हैं यहां पे इन्हें भी नहीं पता था कि इतनी मछलियां हो सकती हैं। प्रत्येक साल वहां मछली पकड़ा जाता है दोस्तों, लेकिन इस बार जो है काफ़ी लेट से मछली पकड़ा गया, जिसके वजह से पानी काफ़ी सूख चुका था। तो इनका कहना था कि इस बार मछलियां हम लोग कम पकड़ पाएंगे, लेकिन अनुमान के विपरीत वहां मछलियां बहुत ज़्यादा थी। आप देख सकते हैं अभी भी बंटवारा ख़त्म नहीं हुआ है, ये दूसरे प्रकार की मछलियों को अभी बांटा जा रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो को देख करके आपको काफी मजा आया होगा। अगर हाँ तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चोला वाला कहीं गला है अरे छोटू छोटू बोला चल तुम भी हमार का झोला टकाई बोला बोला क्या माता एकदम मत पुरानो।
दोनों दोनों माताल माताल आ रही है।